जगह पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं होता था, इतनी भीड़ होती थी। लेकिन मोदी जी की बातों को, योगी जी की बातों को, जिस प्रकार ये महामारी पूरे विश्व में बहुत तेजी से आम जनमानस को लपेटे में ले रहा था, हिंदुस्तान के दोनों मुखिया ने अथक प्रयास किया, कोशिश किया, और मैं इस बात को सराहना भी करूंगा कि हम लोग उसमें सफल हैं। इसके नाते साधु संतों का परम कर्तव्य है, मठ मंदिरों का परम दायित्व है कि हिंदुस्तान की जनमानस की चिंता करें। हमारे यहाँ सुबेरे की 5 बजे जो आरती होती थी, उसमें लमसम 6 से 8 पुजारी रहते थे। हमको लगता है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 3 से 4 ही पुजारी रहते हैं। आप देखिए वहाँ सीताराम नाम संकीर्तन होता है, 6 से 7 लोग रहते थे, 3 लोग हैं वो भी दूरी बना के लोग हैं। और 12 बजे जैसे भोग की आरती होती है 12, 12:30, 1 में, उसमें भी बहुत भक्त रहते थे। नाम मात्र एकाध दो भक्त वो भी हम लोग सख्त मना करते हैं, भाई देखो ऐसा है कि आप इस चीज़ का लॉकडाउन का पालन करो, आज तो आप आगे कल से मत आना। और देखिए स्थिति ये है कि यह मंदिर जहाँ डेली लाख भक्त आते थे, और मठ मंदिर में और कोई अन्य तो बिजनेस होता नहीं है, जनता के बल पे ही मठ मंदिर चलता है, आम जनमानस के बल पे ही मठ मंदिर में चलता है, तो इसके नाते बहुत प्रभाव है मंदिर पे, अर्थव्यवस्था पे काफी प्रभाव, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, इतना ज्यादा प्रभाव। लेकिन चलिए ठीक है, राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में हम लोग कुर्बान हैं, तत्पर हैं, समर्पित हैं।